एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके किसी शिष्य ने उनसे यह तीन सवाल किए, पहला कौन किसके भाग्य का खाता है, दूसरा संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है, तीसरा जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे यह तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तुमको यह कहानी सुनाता हूं, उस कहानी में तुमको तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन तुम कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पौधे पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था। उस बिल में एक सांप रहता था। फिर एक दिन जैसे ही सांप बिल से बाहर निकलने लगा तो उस सांप को वह बाज पक्षी देख रहा था। जब सांप बिल से बाहर निकलने लगा तो उसी समय बाज सांप पर झपटा, परंतु सांप अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह वापस बिल में चला गया। फिर ही देर बाद सांप ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या कहीं पर चला गया। फिर वह बाज पक्षी दोबारा उस सांप पर झपटा, परंतु वह फिर से वापस अपने बिल के अंदर छुप गया। जैसे ही सर्प अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता तो बाज उस पर हमला करता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज मन ही मन में सोच रहा था कि सांप जब भी तू बाहर निकलेगा तो मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा, और सांप उस बाज के डर से बिल में छुपा रहता है। जब सांप को उस बिल में रहते हुए काफी समय हो जाता है तो सर्प मन में विचार करने लगता है कि यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाए तो वह दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं, और राजा विक्रम ही ऐसे हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। तो राजा विक्रम को याद करता हुआ सर्प उस बिल में छुपा रहता है, और जो भी उस मार्ग से निकलकर जाता तो उसे सांप कहता कि भाई कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो या मुझे राजा विक्रम से मिला दो तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। अब मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि यह है राजा विक्रम कौन है, तो इसका आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। फिर एक दिन राजा विक्रम, जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे, वह जंगल में जा रहे थे और उसी मार्ग से निकलकर जा रहे थे। तभी सर्प को पता चला कि रास्ते से कोई जा रहा हो तो वह सर्प बिल के अंदर से ही कहने लगा, अरे भाई कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दे तो मैं उसका जीवन भर एहसान मंद रहूंगा। यह बात जब राजा विक्रम ने सुनी तो राजा विक्रम कहने लगा, क्यों भाई आपको राजा विक्रम से क्या काम है? तो सर्प कहने लगा, देखो भाई, राजा विक्रम दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूं। मैं बहुत दुखी हूं। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूं तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है। वह बाज मुझ पर उसी समय हमला करता है, इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूं और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही इस बिल में पड़ा हुआ हूं, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। अब क्या करूं, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कृपया आप मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दीजिए। राजा विक्रम कहने लगे कि हे शापराज, मैं ही राजा विक्रम हूं, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूं। तो सर्प कहने लगा, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे ऐसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बात से पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो यह एक दिन मुझे मार डालेगा। राजा विक्रम कहने लगे, हे शाप राजा, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन में कहीं दूर छोड़ दूं। सर्प कहने लगा, महाराज जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो यह बाज हमें देख लेगा और यह वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। हे राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए आपके अंदर में बिठा लीजिए, आप पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। जब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सांप कहां गया और मैं तुम्हारे साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं तुम्हारे पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम कहने लगे, ठीक है सांप, आइए आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम अपना मुंह खोल देते हैं और वह सांप राजा विक्रम के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा विक्रम के पेट में जाकर के बैठ जाता है। जब राजा विक्रम वन में आगे गए और आगे काफी दूर पहुंचने के बाद उस सांप से कहने लगे कि हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। यह बात सुनकर नागराज कहने लगा कि नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूं। राजा विक्रम ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे यह वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा, अब क्या हो गया है? सुनसान वन आ गया, अब आप बाहर निकलिए।
सांप कहने लगा कि देखो महाराज, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है वैसा उस बिल में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि यह तो बड़ा ही दुष्ट शाप है, अब मैं क्या करूं। और उसके जहर के प्रभाव से महाराज विक्रम का पूरा शरीर जहर के कारण नीला होने लगा। महाराज विक्रम के शरीर से कोढ़ निकल आया। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि अब मैं यदि राजधानी को वापस जाऊंगा तो यह अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त कोढ़ी हो गया हूं और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज विक्रम एक पेड़ के नीचे कुटिया बनाकर सो जाते हैं। अब उनके शरीर से कोढ़ टपकने लगा और बदबू आने लगी, जो कि शाप का जहर था। शाप कुंडली मारकर राज विक्रम के पेट में बैठा हुआ था। राजा विक्रम उस वन में पड़ा रहा। अब वह राजा जिस जंगल में रहता था उसके पास में एक राज्य था। उसका राज्य में जो राजा राज करता था वह अभिमानी राजा था। उसके तीन बेटियां थीं। फिर एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? फिर उनमें से दो बेटियां तो राजा के डर से कहती हैं कि पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से राजा की एक सुमति नामक बेटी थी, वह अपने पिता से कहती हैं कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूं, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूं। उस बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया और नाई और ब्राह्मण से कहने लगा कि इन दोनों बेटियों का रिश्ता तो आप किसी राजा के यहां करके आइए, और जो यह बड़ी वाली बेटी है इसका रिश्ता किसी अपाहिज या जिसके हाथ पैर नहीं हो उसके साथ करके आइए। फिर राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन तीनों बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता तो राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी बेटी के लिए वर ढूंढते ढूंढते हुए उसी वन से निकलकर जा रहे थे जिस वन में राजा विक्रम अपनी कुटिया में कोड़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से कोढ़ बह रहा था, तो राजा विक्रम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसके साथ ही राजा की बेटी का संबंध करके चलते हैं। फिर राजा विक्रम के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा की बेटी सुमति का विवाह तय कर दिया और राजा ने भी बहुत जल्दी ही सुमति को उस वन में ले जाकर कि वहीं उस राजा विक्रम के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। राजा विक्रम जैसे महापराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए और एक कोढ़ी का जीवन गुजार कर रहे थे। वह राजा की लड़की बहुत ही पतिव्रता थी। वह अपने पति राजा विक्रम की सेवा करती थी और वह दोनों छोटी बहनें जो थी वह बड़े राजाओं के घर में गई, तो वह तो आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन सुमति राजा विक्रम के साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं, जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है और भगवान का आशीर्वाद हमेशा उनके सिर पर बना रहता है। इसलिए जब उस कुटिया में रहते रहते सुमति को राजा विक्रम के साथ बहुत दिन बीत जाते हैं, तो उस कुटिया के पास एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरा शाप का बिल था। तो एक दिन राजा विक्रम सो रहे थे और रात्रि का समय था और सुमति महाराज विक्रम की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से एक शाप बाहर निकलता है और बाहर निकलकर जो राजा विक्रम के पेट में शाप था उस शाप से कहने लगता है, अरे दुष्ट, तू अपने वचन से मुखर गया। तूने तो महाराज विक्रम से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा, और तू ऐसे परोपकारी राजा के पेट में घर बना करके बैठ गया। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर से कोढ़ निकाल आया। अरे तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है? क्योंकि इतने समय में राजा विक्रम न जाने कितने ही जीवों का दुख दूर करते, पता नहीं कितने लोगों का भला करते, लेकिन यह तो यहां पर अपना कष्ट भोग रहे हैं तेरे कारण। वह दूसरा शाप आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई गंगा जल लाकर के इस राजा को पिला दे तो तेरे उसी समय तेरे शाप के 100 टुकड़े हो जाएंगे और तू मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ जो शाप था वह दूसरे शाप से कहने लगा कि तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा। तू खुद धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे ना जाने कितने मानवों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई सुन रहा हो तो कोई पीपा तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो उसी समय तू नष्ट हो जाएगा, और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहां पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। अब उस बात को सुमति बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। सुमति ने मन में विचार आया, यह राजा विक्रम है और इनके पेट में एक शाप बैठा हुआ है।
इस कारण महाराज के शरीर से कोढ़ निकाल रहा है तो वह बेचारी यशोमती बागी बागी कहीं जाती है और कहीं से मांग कर गंगाजल लेकर आती है। गंगाजल लेकर जल्दी ही महाराज विक्रम के पास पहुंच गई और पहुंचकर महाराज विक्रम से कहने लगे कि महाराज, यह दवाई है, आपके कोढ़ को सही करने के लिए आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा विक्रम उस गंगाजल को पी गए और जैसे ही राजा विक्रम ने उस गंगाजल का पान किया तो उस शाप के उसी समय टुकड़े टुकड़े हो गए। जो पेट में था वह शाप नष्ट हो गया। वह धीरे धीरे राजा के शरीर से मल के रास्ते से बाहर निकल आया। अब तो राजा का कोढ़ धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ बिल्कुल सही हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया, राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। अब राजा विक्रम से सुमति कहने लगी, हे महाराज, मैं एक स्त्री हूं, इस शहर में नहीं जा सकती हूं, आप शहर में जाइए और एक पीपा तेल का लेकर आ जाए। राजा विक्रम कहने लगे कि सुमति, उस तेल का तुम क्या करोगी? अब राजा विक्रम की बात सुनकर सुमति ने कहा, महाराज आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर सुमति की बात सुनकर राजा विक्रम बाजार में जाते हैं और वहां से एक पीपा तेल का लेकर आते हैं। फिर सुमति वहां आग जलाती है और उस आग पर उस तेल को गर्म करती है और गर्म करके उस शाप के बिल में खाली कर देती है। जैसे ही उस बिल में वह गर्म तेल डाला गया तो सर्फ की मृत्यु हो गई। राजा विक्रम से सुमति कहने लगी कि महाराज आप इस स्थान को खोद दीजिए। फिर राजा विक्रम ने जब उस स्थान की खुदाई की तो वहां से अपार धन संपत्ति निकाली। सुमति कहने लगी, महाराज देखिए, मैं जानती हूं कि आप राजा विक्रम हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मुझे एक कोढ़ी को दिया था, लेकिन मुझे भरोसा था कि मेरा भाग्य खराब नहीं है, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूं, इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल बनना चाहिए। राजा विक्रम कहने लगे, सुमति तुम कैसी बातें कर रही हो, हम नरेश हैं भला, यहां पर महल क्यों बनाएंगे? आप उज्जैन नगरी को चलिए, हम वहां पर आराम से राज करेंगे। परंतु राजा विक्रम के कहने पर भी सुमति नहीं मानी। फिर राजा विक्रम ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं होता है। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब हो जाता है, जिसका समय विपरीत होता है, वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। सुमति के पिता राजा पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में वह पराजित हो जाता है और राजा अपने परिवार सहित प्राण बचाने के लिए उसी वन में आ जाते हैं। जब वन में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था, फटे हुए वस्त्र और भूख से पीड़ित और प्यास से राजा का गला सूखा जा रहा था, तो राजा घूमते घूमते उस अपनी बेटी सुमति और राजा विक्रम के महल के नजदीक से गुजरता है तो चित्ररेखा अपने पिताजी को पहचान जाती है। सुमति ने अपने एक सेवक को भेजा और सेवक भेजकर महाराज सुमति के पिता, जो कि एक फटी हुए हाल में थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, उन्हें बुलवाया। सुमति के पिता ने सोचा कि यह ना जाने कौन है और हमें क्यों बुला रही है। जब राजा सुमति के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसने बहुत सारे जेवरात पहन रखे हैं और रानी के कपड़ों में है। रानी सुमति अपने पिता से कहती है कि पिताजी ने कहती थी ना कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूं, देखिए मैं मेरे ही भाग्य का खाती हूं, आपके भाग्य का नहीं खाती हूं, आपने मुझे एक कोढ़ी को दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रम की पत्नी हूं। सुमति का पिता राजा मन में विचार करता है और अपनी उस बेटी से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है। मित्रों, इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता है। हर कोई यह सोचता है कि यह मेरे भाग्य का खा रहा है, नहीं कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है, जो कोई खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप यह ना सोचे कि हम किसी को खिला रहे हैं, आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है और वह है भगवान। मित्रों, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए उस शाप का हुआ था। अंततः वह विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। इस तरीके से राजा विक्रम और उसकी पत्नी सुमति ने अपने पिता राजा का बहुत जोरदार स्वागत किया। मित्रों, जिनकी नियत और जिनके कर्म अच्छे होते हैं, भगवान हमेशा उन लोगों का ही भला करते हैं। अब राजा सुमति के पिता को ही देख लो, उन्होंने सुमति के साथ कितना गलत किया था, लेकिन सुमति और उसके पति विक्रम ने
राजा के साथ में बहुत ही अच्छा किया और उन्हें बहुत जोर जोर बहुत प्यार और आदर दिया। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं ना कहीं से देता है। हम और तुम तो अपने परिवार का पालन करने में भी हिचक जाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वह पूरे संसार का हर जीव जंतुओं का ध्यान रखता है। मित्रों, भगवान को शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने हमें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में तो नहीं। अगर हमारे द्वार पर कोई भिखारी खाली हाथ होता है तो यह जरूर सोचना कि यह इसी उम्मीद से आया है कि हमारे पास कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इसीलिए हमें उसे कभी भी खाली हाथ जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें देने वालों में रखा है। मित्रों, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, और जब अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उसे बता चढ़ाकर किसी को बताना नहीं चाहिए, और अगर हम किसी की सेवा करते हैं तो उसे भी किसी को दिखाकर दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके अपने अपने कर्म होते हैं और सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, और इस दुनिया में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, तो घमंड किस बात का फिर। मित्रों, अगर हमें पता चल जाए कि अब हम मरने वाले हैं और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक घंटा ही बचा है, तो सोचो उस समय इस दुनिया के लिए हमारी जो भी नफरत है, सारे गलत काम एक सेकंड में ही खत्म हो जाएंगे। तो हर समय हर दिन ऐसे ही जीना चाहिए कि जैसे कि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक घंटा बचा है। तो इसीलिए हम अगर यह सोचकर जिएंगे तो हमारा हर पल, हर टाइम, हर सेकंड बहुत ही ज्यादा अच्छा और कीमती ही होगा, और हम सबका भला कर सकेंगे और सबकी मदद कर सकेंगे। मित्रों, हम अगर किसी का बुरा करेंगे तो क्या पालेंगे हम? इससे अच्छा है तो हम सभी का भला करें और हमारा भी भला ही करें, क्योंकि यहां पर हम खाली हाथ आए थे, लेकिन जाएंगे तब हमारे कर्मों की पोटली हमारे पीछे बंद होगी, और उसमें अगर गंदे ही कर्म होंगे तो हमें बहुत बहुत बोझ लगेगा, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा सब कुछ अच्छा ही होगा, और हमारा यह जन्म तो हमारे अच्छे करने के अच्छा होगा, लेकिन हमारे आगे के जन्म भी सुधर जाएंगे। अब आगे भगवान बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम्हें अपने तीनों सवालों का जवाब मिल गया होगा। तुम्हारा पहला सवाल था कि हम किसके भाग्य का खाते हैं, तो हम हमारे खुद के ही भाग्य का ही खाते हैं। दूसरा सवाल था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा बलवान कौन है, तो वह समय, क्योंकि समय से बलवान कोई नहीं है। तीसरा सवाल था कि जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है। जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए उस शाप का हुआ था। अंतत वह विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। मित्रों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे न हटें। कहने का सीधा मतलब यह है कि जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में न सोचते हुए अपने काम पूरे करें। आज के इस समय में लोग अपनी आय के हिसाब से खर्च करते हैं, लेकिन ऐसे में जरूरत पड़ने पर उनके पास पैसे नहीं होते। किसी भी तरह की मुश्किल आर्थिक परिस्थितियों से बचने के लिए हमेशा सोच समझकर खर्च करना चाहिए। कभी भी ऐसी चीज खरीदने में पैसा खर्च न करें जिसकी आपको जरूरत न हो। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जो बुरे कर्म करता है वह मृत्यु के पश्चात नरक में जाता है, जहां उसे उसके कर्मों के आधार पर सजा दी जाती है, तथा जिसके अच्छे कर्म होते हैं वह मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाते हैं। आगे आप जानेंगे कि मनुष्य के अच्छे कर्म क्या है। भक्ति में लगा रहना, दया और सेवा की भावना रखना, किसी का बुरा नहीं सोचना, माता पिता की सेवा करना, पशु पक्षियों के लिए प्रेम की भावना रखना, प्रकृति का ध्यान रखना। जिस तरह अच्छे कर्म निर्धारित किए गए हैं उसी प्रकार बुरे कर्म भी निर्धारित किए गए हैं। चोरी करना, किसी भी जीव को पीड़ा पहुंचाना, माता पिता की सेवा न करना, नशा करना, मांसाहार करना, धोखा देना, स्वार्थ भावना रखना, ये सभी बुरे कर्म होते हैं। किसी जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे उत्तम कर्म है। जानबूझकर किसी के साथ बुरा करना बहुत ही बुरा कर्म होता है। अच्छे और बुरे कर्म को पहचानना न तो किसी संत के बस की बात है और न ही किसी ज्ञानी के बस की बात है। साधारण इंसान तो इसको जानता ही नहीं है। हर संत महात्मा, ज्ञानी और साधारण मनुष्य अपने निहित स्वार्थ के लिए बुरे कर्म को ही अपनी इच्छा अनुसार अच्छा बना लेता है। जिस प्रकार कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने अपने बुरे कर्म को और दुर्योधन के नमक के बदले अच्छे कर्म में बदलने की कोशिश की थी। बुरे कर्म वो कर्म होते हैं जिनको करने बाद भय लगता है
और रात को नींद नहीं आती है। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में भय रहता वर्टिकल बार है। अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको न तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला दो प्रकार से होता है, एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। जो फैसला समाज और सरकार करती है वो तो गलत भी हो सकता है, पर जो फैसला भगवान करता है वो कभी गलत नहीं होता है। बुरे कर्मों का आधार भूख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ईर्ष्या और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इस सब की प्राप्ति लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म करता है। वर्टिकल बार, अगर आप भूख से तड़फ रहे हैं तो आपको पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी का भोजन छीना और खा लिया तो बुरा कर्म हो जाएगा। यह छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तथा यह बुरा कर्म आपके चित्त में संचित हो जाएगा। आप बुरे कर्म करके धन कमाते हो, जैसे आपने किसी का अपहरण किया, चोरी की, रिश्वत ली या डकैती डाली। ऐसा धन आपके बुरे कर्मों की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे धन से आपकी आत्मा डर जाएगी और हमेशा डर लगता रहेगा। सबसे ज्यादा बुरे कर्म तो स्त्री को लेकर ही होते हैं, क्योंकि स्त्री की आत्मा का संबंध तो सीधे सीधे आपके कर्म के साथ होता है। इसी प्रकार हम जमीन और जायदाद को लेकर बुरे कर्म करते हैं, दूसरे के मकान पर और जमीन को कब्जा कर लेते हैं। इसके कारण जो आत्मा की बद्दुआ लगती है वो भी बुरे कर्म के खाते में चली जाती है। इसी प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए हम जघन्य बुरे कर्म करते हैं, अपने निहित स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों के यश और शक्ति को कुचलते हैं। अपने को हम श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों को नकारा या अज्ञानी बताते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या से अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। ये सभी घोर और जघन्य बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्म का निर्धारण करने के लिए आप महीने में सिर्फ एक बार ध्यान में, योग में, साधना में मरने की कल्पना करो कि मैं मर रहा हूं। जब आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूं और मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो उस समय आपके एक महीने के सभी बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपके पास आ जाएंगे और आपकी चारपाई के चारों तरफ घेरा बना लेंगे। आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि क्या क्या बुरा कर्म किया है आपने इस महीने में, और आई मौत के वक्त आप बुरी तरह से उन बुरे और जघन्य कर्मों के डर से भयभीत हो जाएंगे। आपको मरने से डर लगेगा। इसी प्रकार आपके सभी अच्छे कर्म भी आपके चारों तरफ खड़े होंगे और बोल रहे होंगे, जाओ खुश होकर मरो, आपने दुनिया के लिए अच्छे कर्म किए हैं। आपको स्वर्ग में मिलेगा और चैन से मृत्यु को प्राप्त करोगे। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो, यहां कोई अपना नहीं है। क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। वह ना तो इस लोक में धन, ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है और ना ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संशय युक्त रहता है, तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता है। इसलिए संदेह करने से बचे। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से मिल पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों बल्कि जीवन के बाद अपनी गति का भी पूर्वाभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी इसलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हित नहीं होता। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म के फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं है,
और इसलिए वह दुखी नहीं होता। कर्म फल का त्याग कर धर्मनिरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं और अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्म योगी कर्म फल के चक्कर में नहीं उलझता, इसलिए वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार का कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता बुरे मार्ग से होता है, और जब प्रसन्न मुद्रा में मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने रास्ता अच्छे मार्ग से होता है। अपने बुरे और अच्छे कर्मों का विश्लेषण रोजाना सोने से पहले अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद कूट कूट कर भर जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ।